हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया दी ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, बाय टाइटल आप लोगों को पता चली होगा, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि प्रियू की मासी ने प्रियू को क्या गिफ्ट दिया हुआ है। प्रीतिका, आप लोग जानते हैं प्रीतिका को, हम लोग ना बहुत पुराने और टचवुड बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और हमारी जो फ्रेंडशिप है ना, जैसे प्रीतिका हुई, सेजल हुई, परी हुई, मतलब अनुराधा साही हुई, जो पीछे के कुछ जिनके साथ हमने चैनल स्टार्ट किया हुआ है, जो हमारे साथ टच में है ना, उनसे हमारी जो फ्रेंडशिप है ना यूट्यूब को लेके नहीं है। काफ़ी सारे लोग हैं जो, पता है, हम लोग ऐसे थे कि बस मस्ती मस्ती के लिए वीडियोस बनाते थे। इनमें से तो काफ़ी सारे ने बंद कर दिया, और कुछ हैं जैसे मैं हूँ, सेजल है, तो हम लोग अभी एक्टिव हैं। प्रीतिका उसमें अभी एक्टिव नहीं है, तो हम लोग ना बहुत पुराने फ्रेंड हैं, तो आप यूट्यूब पे नहीं देखोगे हमें। तो जब हम गए थे उज्जैन, हमने सिर्फ स्टोरी डाली हुई थी, बल्कि हमने इंदौर हम जा रहे हैं, हम ओमकारेश्वर महादेव जी का दर्शन करने गए, हमने कहीं डाला नहीं था क्योंकि हमारे वीडियोज़ थोड़ा लेट जाते हैं। तो प्रीतिका ने कॉल किया कि कहाँ हो, और मैं उसके बारे में जस्ट अपने भाइयों से सबसे डिस्कस कर रही थी कि अभी जहाँ प्रीतिका ने वीडियो देखा ना, तो भड़क जाएगी कि यहीं से आए चले गए और मुझे बताया नहीं। तब तक उसका कॉल आ गया, बोल रहे कहाँ पे हो, और उस टाइम मैं उसकी सिटी इंदौर में ही थी, थोड़ा सा दूर निकले थे ना हम लोग, शायद लंच कर रहे थे थोड़ा दूर जाके। तो आपने अगर हमारा ब्लॉग नहीं देखा है वाला, तो जाके देख लीजिएगा, हमने उस पर डिस्कस किया हुआ है कि प्रीतिका मुझे मेरी जान ले लेगी कि यहीं आए चले गए। एक्चुअली मेरा पिछले कुछ दिनों से ना मेरा मूड बड़ा ख़राब चल रहा था, मैं बड़ी परेशान चल रही थी। तो जब भाइयों को पता चले तो लोग आए, सडन प्लान बनाए कि चलो चलते हैं। एक दिन की छुट्टी भाई ने, दीप ने, सब ने ली हुई थी। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, सिर्फ दो दिन की ट्रिप थी, मैंने दो या तीन दिन की ट्रिप थी, उसी में संडे सैटरडे संडे था, हाँ एक दिन की छुट्टी, तीन दिन की ट्रिप थी। सिर्फ हमने एक दिन होटल का लिया हुआ है, कि एक दिन का रात में जाके होटल ली, बाकी हमारी रात में भी कार चलती थी। तो टाइम था नहीं कि हम उसको बताएं, क्योंकि अगर उसको बताते फिर मतलब टाइम था ही नहीं, हम ये सोचे थे कि नहीं बताएंगे, लेकिन जब वो जान गई, हमारी बात हुई, तो बोली रात के चाहे 2 बजे आओ चाहे तीन, हमें तुमसे मिलना है। तुमने कहा चलो ठीक है मिलेंगे। तो जब हम रात में 11:30 बजे पहुँचे हैं, हम लोग खजाना गणेश जी का दर्शन करने गए थे, तो हमने बुलाया, फिर हम लोग वहाँ पर मिले। तो आते टाइम ना गिफ्ट लेके आई थी, जो कि मैं दिखा रही हूँ। उन्होंने डायरेक्ट मना किया था कि नहीं गिफ्ट मत दिखाना, बट मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये चॉकलेट हैं और बहुत सारी चॉकलेट है। प्रियू मांग रही थी, एक काम करते हैं मैं पहले आपको वाली क्लिप दिखा देती हूँ, पहले आप वाली क्लिप देख लो। जब से उसने गिफ्ट देखा हुआ है, वो मांग रही है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। तो मैं मेरे घर में अधिकांश वाली चॉकलेट रहती है, किटकैट बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले आप प्रियू वाली क्लिप देख लो, इसके बाद मैं वाली दिखाती हूँ। प्रियू क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, वो चाहिए क्या, चाहिए मेरी प्रियू को क्या चाहिए बोलो। ए देख, ए इस्माइल करो, इस्माइल करो, इस्माइल करो प्रियू, प्रियू वो मासी का गिफ्ट है ना, उसको रिकॉर्ड करना है। मासी ने बोला तो नहीं है, बट मैं दिखाऊंगी सबको प्रियू की मासी ने क्या दिया प्रियू को। हाँ, तो इसीलिए अभी ये नहीं खोल सकते आपके लिए दूसरी वाली। ठीक ठीक है बिट्टू, बाकी ये सब रखे हुए हैं, बाद में देख। अब देख लेना कौन सा लेना है। ठीक है, फटा तो देख लिया। तो इसमें काफ़ी सारे चॉकलेट्स हैं, जैसे डेयरी मिल्क है, किटकैट है, कैडबरी का है, पर्स है, तो इसमें काफ़ी सारे चॉकलेट्स हैं। और ये थोड़ा सा मेल्ट भी हो गया है, शायद बाहर रखिए हम लोग। तो इतनी सारी चॉकलेट्स हैं इसमें। इसके बाद भाई ढेर सारी कुकीज़ हैं, ये देखो, एक कोमल कोमल तो शायद वहाँ का फेमस है, वो बोल रहे थे मुझसे कि आप टेस्ट करिए। तो सबसे पहले मैं चॉकलेट वाला ओपन कर रही हूँ, खूब सारा उन्होंने दिया हुआ है, जो इंदौर के हैं उनको पता ही होगा। तो काफ़ी सारी चॉकलेट कुकीज़ लेके आई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और रात के बज रहे हैं 7:30। मेरी आदत है कि मैं तभी ब्लॉगिंग करती हूँ घर पे सब हूँ। ये भी मेल्ट हो गया प्रियू, ये प्रियू मासी का गिफ्ट। जब तक मैं नहीं खाऊंगी तब तक नहीं खाओ यार, ये कुकी सच में अच्छी है, बाद में खाएंगे।
उसके बाद मतलब अलग अलग लेके आई हैं। ये तो दूसरा है, चॉकलेट वाला दो है, बाकी दो अलग अलग हैं। आज तो कुकीज़ का डिब्बा है, डब्बा डिब्बी जो भी है। इसके बाद एक भाई बहुत टाइम पहले वो प्रियो के लिए लेके रखी थी, दीप दे देना जरा। बहुत टाइम पहले वो प्रियो को, एक्चुअली मैंने प्रियो के बर्थडे में बुलाया था, बट कुछ रीजन थे जिसकी वजह से नहीं आ पाई थी। तो प्रियो के लिए पायल उन्होंने लिया हुआ था, ये बहुत प्यारी पायल की डिज़ाइन है। ऐसे मैंने भी प्रियो के लिए लिया हुआ, तो थोड़ा सा चेंज है, बहुत खूबसूरत है। और इसमें ये भी है ना, तो बजेगा, मस्त मज़ा आएगा। वैसे मैंने उनसे बोला हुआ है कि जल्दी आइएगा, हम लोग वेट करेंगे लखनऊ। तो देखो उन्होंने बोला तो है, देखते हैं कब आती हैं। चलो मैं आप लोगों से कुछ देर बाद मिलूंगी। हाँ, थोड़ा सा मैं काम कर रही थी, भी आपको दिखाती हूँ क्या काम कर रही थी कुछ देर बाद। प्रियो, ये प्रियो, 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 क्या गिरा रहे हो प्रियो? अरे अरे नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं खाते। चीची है, चीची बिस्किट यहाँ है, देखो पीछे है आपके। मैं तो सारा रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, सब कहेंगे प्रियो गंदा। ये प्रियो, प्रियो, ये बिटुआ, बिटुआ, बोलो मम्मा, बोलो ना पापा, मम्मा बोल दो। क्या बिटू है, हमको क्या दिखा रहे हो, हमने क्या कर दिया? पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी है उसको, सिर्फ बेबी 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 घुट्टी हो पिला दी है। बेबी पेट में थी जब आई थी, जब बोलना शुरू की थी तो मम्मा मम्मा ही बोलती थी। बड़ा खुश थी बड़ा खुश थी। इसके बाद पता नहीं क्या कर दिए, मेरी बिटिया पापा पापा करने लगी। मैंने क्या कहा था, कुछ दिन और मजे ले लो। प्रियो बिस्किट सर्जा था इन। ए प्रियो, सच में यार पूरे घर में कोहराम हल्का मचा के रखी हो। लॉक लगवाना पड़ेगा। हाँ डांस कर रही है। कमर कर लप 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 लप, हमारे गाना ना आया तब लप लप का भाई। आदमी अपने तो गाएगा बिट्टू। ओ प्रियो, 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 कमर कर लच 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 लच। जाओ दीदी पास चली जाओ। कितना अच्छे से चलती है दीदी, पास जाओ, जाओ दीदी पास। तड़का तड़का भाई। अच्छा रुको, फिर यहाँ चल क्या, रुको आओ यहाँ, आओ यहाँ चल क्या, मैं वीडियो शूट कर रही थी गाइस। आओ आओ मेरे पास आओ। अरे नहीं नहीं आओ, अरे गाइस पूरा प्रॉपर चल रही है, थोड़ा सा बहुत मिस्टेक हो गया ना। एक काम करो, जाओ बाबा, जाओ जाओ पापा पास जाओ, चाचू बुलाइए। गोल गोल गोला दे रही थी, पहले पापा फिर मम्मा फिर तब जाओ किच्छे दो। बुला के आई बिटिया मेरी, पापा गुच्छा नहीं करेंगे, पापा गुच्छा नहीं करेंगे। बिटू स्लिप कर, तुम्हें कहा इसीलिए मैं भी सोच रही थी कि रहने अब घूम दौड़ेगी दौड़ेगी। हेलो जी, बिटिया पास गई है, मोबाइल छोड़ दो। तीन मिनट इसी में सब कहेंगे क्या दिखाती हूँ मैं, सिर्फ बस यहाँ पर प्रियो के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरा प्रियो चलना सीख गया, ले मिला बेटा। कहीं भी नहीं, मतलब वो बेड पे चढ़ भी जाएंगे, उतर भी जाएंगे, जहाँ मन वहीं जाती है। अब मैं वीडियो शूट करने जा रही हूँ, प्रियो मम्मा शूट कर ले। अब नहीं छकता, तैयार होके बैठी। देखो
अब मैं तैयार होके बैठी हूँ वीडियो चूज करने। और हाँ, साड़ी का लिंक दे दूंगी, ब्लाउज का भी दे दूंगी, आप ले लीजिएगा। बहुत सस्ती साड़ी है, 555 रुपए की है, और ब्लाउज 300-350 का है। जब मैंने लिया था तो सेल में लिया था। अच्छा, अभी सेल चल रही है, ये सेल शायद 10 अक्टूबर तक रहेगी। गाइस फटाक से जाओ, देखो कितने में आपको मिलता है, कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा प्रमोशन भी कर दें। और वो हाँ, अरे हाँ हाँ, ये ब्लॉग, एक ब्लॉग है मेरे पास, प्रीतिका रघुवंशी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया था, मैं वहाँ शांति के यहाँ गई, वो ब्लॉग मेरा ऐसे रखे के रखे रह गया। प्रीतिका रघुवंशी आपको पता है कि मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है। उनका दिखाई नहीं दिया पिछले, नहीं मैंने शूट किया था, इसके बाद हम लोग वहाँ निकल गए ना, तो पता ही है वो गए नहीं। नहीं, वो वैसे ही रखा हुआ है, आज मैं डाल दूंगी, अभी 9:30 बजे डाल दूंगी। पता है वो इसलिए दिखा रही हूँ ना, क्योंकि उन्होंने मेरे इतने प्यार से लेके आई थी, इवन वहाँ पर वो रिकॉर्ड भी नहीं करने दे रही थी। पता है लाना ठीक है, वो क्या लेके 9 बजे मतलब वो इतनी रात को, हाँ तो 12 बजे हमसे मिलने हैं, वही बहुत बड़ी वही चीज़। और पता है वही मैं बोलने जा रही थी कि हमसे जब वो मिली, पता है एक भी अच्छी पिक्चर हमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यूट्यूब के लिए हम शूट कर रहे थे, तो हमारे पास ना एक हल्की छोटा सा जो है छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, जो कि मैं डालूंगी फेसबुक पर भी, आप देखोगे और यहाँ पर भी मैं डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। वो सच में दिल की इतनी ज़्यादा अच्छी है ना। थैंक यू सो मच प्रीतिका, आप आए और हमें इतना टाइम दिया अपना, उसके लिए दिल से शुक्रिया। वो मुझसे जिद भी कर रही थी कि रुक जाओ, बट उसके पास टाइम नहीं था, हम लोग 2 दिन के लिए गए थे। कल कमेंट आया था शांति वाले वीडियो में कि मतलब पॉजिटिव था, ऐसा क्वेश्चन मार्क था कि जीजू, आई थिंक जीजू ने जो टी शर्ट पहनी है उल्टी पहनी हुई है, क्योंकि उस पर जो डिज़ाइन बनी हुई है ना, वो थोड़ा सा अलग है ना। हाँ अब बिटिया मेरी आके निकाल लेगी, मुझे लग रहा हम लोग वेल्डिको में रहते तब लिए थे, 3-3.5 साल पुरानी टी शर्ट थी मेरी, 4 साल मेहंदी आपको भी लगानी है। अच्छा ठीक है, हम लोग जो वेल्डिको में रहते तब लिए थे, याद है ना, लग गई स्पाइकर से। अब इसको मत निकालो, मैंने आपको लगा दिया, एक किची दे दो। वाह, चीक पे देती है, लिप पे नहीं। एक काम करते हैं, इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत लंबा ब्लॉग था, इसमें 3 मिनट आपने प्रियू की एक्टिविटीज़ देख ली। तो एक काम करते हैं, इस ब्लॉग का एंड करते हैं, सबका लिंक मैं दे दूंगी, पक्का दे दूंगी, आप जाके ऑर्डर कर लेना, नहीं तो स्टॉक आउट हो जाएगा, फिर मुझसे आके मत भूलिएगा कि दिए। मेरा एड्रेस लेके क्या करें, आप भिजवा देना, मेरे पास तो एक ही है भाई, इतनी अच्छी है मैं किसी को नहीं दूंगी। अरे इतनी प्यारी साड़ी, इतनी मेहनत से मैंने खोजी हुई है, दिन रात एक करके आंखों को। अच्छा इसका ब्लाउज बहुत अच्छा है, ये देखो जो इसमें दिख रहा है ना, ये ब्लाउज इसका नहीं है, किसी का भी तो पीछे है। हाँ तो पता है, ये जो है ब्लाउज है इसका, बहुत ही प्यारा ब्लाउज है, बट मुझे इस ब्लाउज का भी रिकॉर्ड करना था, तो मैंने कहा कि चलो यार यही वाला ब्लाउज पहन लेते हैं, और इस ब्लाउज पे जा भी रहा है ना, साड़ी जा रही है, तो सबका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूंगी आप अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।